किसी फिल्म के अगर किसी कोई कॉस्ट्यूम पसंद आ गया मुझे, तो मैं पटना मार्केट जाया करता था घर से चोरी छिपे। अच्छा। मुझे वो कपड़े पहनने होते थे। एक दो बार घर में मार भी मुझे पड़ी थी। मैं स्ट्रगल यूज नहीं करता क्योंकि दैट वर्ड इटसेल्फ गिव्स यू सम सेंस ऑफ नेगेटिविटी। सही बात है। सो रादर आई यूज चैलेंजेस। तो मेरे चैलेंज की कहानी शुरू वहां से होती है। जिनके बगल में बैठी हूँ मैं, हाय हाय क्या बात है, कितना सोना लड़का है। क्रांति प्रकाश झा जी हैं हमारे साथ, और मिथिला माखन की बात हो, देसवा की बात हो, या फिर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की बात हो, या योग गुरु रामदेव की बात हो, मतलब हर जगह पे ना ये हमारे जितना आपको देखते हैं आप हमारे फेवरेट होते जाते हैं, चाहे छठ पूजा के गाने की बात हो। सो ग्रैंड 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 वेलकम हमारे शो पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। क्या बात है। सो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप भी, जैसे चूंकि आप बिहार से हैं, सो बिहार में UPSC एंड ऑल ये सारी चीजों की तैयारी मैक्सिमम जो है जब बड़े होते तो लगता है उधर ही जाना है, और आप भी शायद उधर ही जाना चाह रहे थे, तो क्या ये सच है कि आप भी कभी UPSC की तैयारी कर रहे थे? अरे बिल्कुल, मुझे याद है कि मैं दिल्ली के हिंदू कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई की, जैसे BA किया, MA किया, और फिर एक साल ब्रेक लेके पूरे दिन रात मेहनत की, उसके बाद एग्जाम दिया, नहीं हुआ। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल नहीं हुआ। तो सेकंड और थर्ड की ख्वाहिश जागी? ख्वाहिश जागी थी, लेकिन उसके बीच में ऐसा होता है ना कि शायद मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो मेरे अंदर जो कहीं एक बग था, यहीं से मुझे याद है कि जब कोई फिल्म आती थी यहाँ पटना में, हम लोग यहाँ पे मोना सिनेमा है, रिजेंट है, यहाँ पे हम लोग देखने जाते थे। और किसी फिल्म के अगर किसी कोई कॉस्ट्यूम पसंद आ गया मुझे, तो मैं पटना मार्केट जाया करता था घर से चोरी छिपे। अच्छा। मुझे वो कपड़े पहनने होते थे। एक दो बार घर में मार भी मुझे पड़ी थी। लेकिन फिर कई बार कॉलेज जाने के बहाने गांधी मैदान से राइट मुड़ जाया करते थे, प्रेजेंट सिनेमा चले जाते थे मॉर्निंग शो देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं एक बग था मेरे अंदर जो माता पिता के महत्वाकांक्षाओं के नीचे दबा हुआ था। अच्छा अच्छा। जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मतलब मम्मी पापा कह रहे थे बचपन से ही, बोलोगे बेटा तुझे ये बनना, तुझे ये बनना। पापा खुद ब्यूरोक्रेट, तो देख के बहुत अच्छा लगता था। और घर में कोई भी हमारे फैमिली से कोई किसी का ताल्लुक ही नहीं है। सही बात है। तो मुझे यही था कि मुझे यही करना है, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके बाद मैं बहुत डिप्रेस हो गया। अच्छा। इतना डिप्रेस हो गया था कि लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था करूँ क्या। जी। माता पिता को बड़ी उम्मीदें थी, मुझे लग रहा था कि यार इनकी उम्मीदों पर भी मैं बिल्कुल, मैंने पानी फेर दिया, कुछ नहीं कर पाया मैं, उनके सपनों को साकार कैसे करूँ। तो मेरे दोस्त, कुछ दोस्त जो बॉम्बे चले गए, एक यहीं बिहार के ही हैं, राजेश कुमार, जिनको आप लोगों ने रोशेश में देखा होगा, सारा भाई में, बहुत नामचीन टेलीविजन के एक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि केवी एक काम कर, तू ब्रेक लेने के लिए आ जा, एक महीने आप बॉम्बे में रहे, यहाँ घुमाएंगे, हवा पानी देखेंगे, ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे। अब उस टाइम पे मुझे वहाँ से निकलना बहुत जरूरी था, तो मैं वहाँ से बॉम्बे चला आया, जस्ट फॉर अ ब्रेक। अच्छा, अब मुझे मुंबई में ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर रहने की छत नहीं थी, खाने को मैं स्टेशन पे सो रहा था, मेरी वैसी कहानी नहीं है। सही बात है। मेरे चैलेंजेस की, अच्छा मैं स्ट्रगल यूज नहीं करता क्योंकि दैट वर्ड इटसेल्फ गिव्स यू सम सेंस ऑफ नेगेटिविटी। सही बात है। सो रादर आई यूज चैलेंजेस। तो मेरे चैलेंज की कहानी शुरू वहां से होती है। अच्छा। आई हैड अ रूफ ऑन माय हेड, मेरे पास खाने को सारी चीजें थी, दोस्त थे, उनके पास गाड़ी थी, घुमाने को सारी चीजें थी, और मुझे होते होते उनकी लाइफ मुझे पसंद आने लगी। I started doing theater workshop with them. तो मैं उनके प्ले के रिहर्सल पे चला जाया करता था, और दिखने में लोग ऐसा कहते थे, क्योंकि दिल्ली में भी जब मैं कॉलेज में था तो आई वॉज एडजस्ट मिस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जब मेरे ज़माने की बात है, तो मॉडलिंग, रैम्पॉक ये सब चलता रहता था, पर कभी भी सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि लगता था यार माता पिता के साथ धोखा हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद, फिर एक महीने के बाद मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई नीड टेक अ डिसीजन what to do. Then I took a decision कि नहीं, this is what I want to do. मैंने घर फोन किया, पापा माँ को बताया, वो बहुत दुखी हुए। अच्छा। हाँ बहुत दुखी हुए। पापा हमेशा से, एक चीज अभी भी रहती है, क्योंकि हमारे पिता सर्वव्यापी हैं, तो उनके सामने बहुत चीज़ें नहीं कर पाया था मैं। आज वो होते तो उनको बहुत खुशी होती कि उनके जो उनके सपने थे हमको लेके थोड़े से शायद सच हो रहे हैं, पर अपनी माँ में ही पापा देखता हूँ। तो वहाँ से कहानी होते होते अब लोग मिलते गए और कारवां बनता गया।
तो ये कहानी है हमारी सुपर स्वीट। अच्छा तो एक बात बताइए, आपका कोई फैमिली फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है? बिल्कुल नहीं। एंड आपने ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं ली होगी? सो इतना रियल एक्टिंग, इतना नेचुरल कैमरे के सामने, जिसके लिए लोग बहुत क्लासेस करते हैं, कई साल खुद को घिसते हैं, सो इतना फ्रेंडली कैसे आप नजर आते हैं? लाइक ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं, मतलब मेरी भी समझ में, वर्कशॉप्स मैंने बहुत किए हैं, आई नेवर टुक एनी फॉर्मल एजुकेशन इन थिएटर, जैसे कहते हैं कि आप FTI चले गए, NSD चले गए, तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैं वर्कशॉप्स बहुत करता रहा। मैं नाटक बहुत किया मैंने वहाँ पे। हमारा एक ग्रुप था, स्वानंद किरकिरे एक लिरिसिस्ट हैं, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, सुना ही होगा आई एम श्योर, तो उनके साथ फिर मैं 2-3 साल मैंने नाटक किए। और क्या होता है ना कि जितना आप कर करके, कुछ लोग जो दुनिया में, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सीख के करते हैं, और एक है जो करते करते सीखते हैं। मैं वही हूँ, मैंने कर करके सीखा है और अभी सीख ही रहा हूँ। आप यकीन माने मैम, मैं आज भी अगर कैमरे के सामने जाता हूँ तो सुबह मैं भगवान सबको याद करता हूँ कि ये शॉट अच्छा जाना चाहिए। मैं आज भी उतना ही नर्वस होता हूँ जितना मैं पहली बार था, और ये नर्वसनेस मेरे लिए काम करती है, क्योंकि मैं अगर कॉम्प्लेसेंट हो जाऊंगा फिर लगेगा मुझे तो आता है जो मुझे कुछ नहीं आता। तो वो चीज़ है कि कैमरे के सामने शायद सहजता जिंदगी से सीखी है, और मुझे लगता है कि अभी भी और सहज होना बाकी है मेरे लिए, और कुछ बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सीखना बाकी है। क्या बात है। और चूंकि देखिए, जब अपने यहाँ से कोई निकलता है ना, तो उसके बारे में जानने का बड़ा मन करता है कि कहाँ से पढ़ा है, तो मैं भी वहाँ से पढ़ूंगा, कॉपी करते हैं हम। और ये अच्छी चीज़ है, इसको मैं नेगेटिव नहीं लेना चाहूँगी, कि जब कोई आगे बढ़ता है तो हम उनको इंस्पिरेशन मान के उनके जैसी चीज़ें करने को सोचते हैं। तो लाइक आपने स्कूलिंग वगैरह पटना में कहाँ से करी? मैंने स्कूलिंग सेंट एमजी हाई स्कूल है बोरिंग कैनाल रोड में, मैंने वहाँ से की 10th। उसके पहले हमारे पिता शिक्षा विभाग में थे, तो उनका जॉब जो था उसका नेचर हर 3 साल पर ट्रांसफर होता था, तो मैंने परोड़ा आवासीय मध्य विद्यालय से भी पढ़ाई की है, और तब बिजली नहीं होती थी, डिबरी होती थी। डिबरी? हाँ। जब वो शीशी वाली बॉटल, यस। हाँ। और ऐसे उस पे एक होल करके धागा लगा के, और गनी बैग जिसको बोरा कहते हैं, तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई, और होते होते फिर सोनीपत भी गया, विकास विद्यालय भी मैंने पढ़ाई की 1 साल। पर हमारे पिता को हमसे बहुत मोह था, हम दोनों भाइयों से, तो फिर सेंट एमजी हाई स्कूल से 10th किया, साइंस कॉलेज से 12th किया, और हिंदू कॉलेज चला गया फिर UPSC देने के लिए, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ। हाय, और आप मेरे फेवरेट बने बैठे। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, कि जो लोग फिल्मी दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं, अब तो चैलेंजेस भी हैं और थोड़ा ईजी भी है, सो आप उन्हें क्या सही रास्ता दिखाना चाहेंगे? मैं तो खुद सही रास्ते की तलाश कर रहा हूँ, मैं क्या किसी को सही रास्ता, जो सीखा वही सीखा, जो सीखा वो मैं जरूर कहूँगा कि चकाचौंध देख के ना जाएं। अगर आप मेरी कहानी में भी आपको लगता है कि अरे यार क्रांति प्रकाश झा की लाइफ नहीं, इस बात पे एक बहुत फिलोसफिकल सी चीज़ है जो मैं मानता हूँ, और शायद ये बात माता पिता को भी या जो दोस्त होते हैं उनको भी शुरू से ही बच्चों को सिखानी चाहिए कि जजमेंटल लाइफ में नहीं होना है, क्योंकि जो मेरे जूते हैं वो आपने नहीं पहने, जो आपके जूते हैं वो मैंने नहीं पहने, तो आपकी कहानी मैं नहीं जानता, मेरी कहानी आप नहीं जानते। सही। तो चकाचौंध देख के किसी से भी इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे उसका शायद बहुत संघर्ष गया होगा। मुद्दा वही है कि अगर आपको लगे कि इस काम में आपको मजा आता है तभी यह काम करें आप। जैसे कि इन्होंने UPSC करने के बाद एक महीने दोस्त के छुट्टी बिताने जाते हैं, और वहां पे इनके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न आता है, करियर बनाने की बारी आती है। सर छठ पूजा का गाना, जब से हमने पहले हम कहली छठी मैया वरते त्योहार, आप ना बहुत अच्छे, मतलब लगता है ना कि वाओ यार कितना क्यूट है, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। सो ना अब आपकी वीडियोस का इंतजार रहता है जी। और मतलब छठ पूजा को, और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है पूरे ओवरऑल चीजों की बात करें तो। सो आप इस पे कुछ बताइए। देखिए हमारी जो टीम है, हम लोग पिछले 10-12 सालों से, जिसमें मैं नीतू चंद्रा जी का नाम लेना चाहूंगा और नितिन चंद्रा जी का नाम लेना चाहूंगा, तो हमारी टीम शुरू से ही बिहार की भाषाओं के लिए, हमने 2 फिल्में बनाई, देसवा भोजपुरी में थी जो शायद पहली फिल्म थी, इफी गोवा में गई थी, सही बात, भोजपुरी में। दूसरी फिल्म मिथिला मखान बनाई, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिला उसको। हाँ। तो हम लोग हमेशा से क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो 2016 की बात है, धोनी उस टाइम रिलीज हुई थी, और नितिन सर ने कहा कि अरे क्रांति सर ऐसे ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ करना है। करते हैं यार, बिल्कुल करते हैं। और शारदा दीदी के गाने जो है वो बचपन से, आदमी छठ उनके आवाज के बिना पूरा नहीं हो सकता, अधूरा रहता है। सही बात है। तो जब मैंने सुना, मैंने कहा तो सौभाग्य होगा कि मुझे उनकी आवाज पे कुछ अभिनय करने का मौका मिलेगा, तो गाने वाने रिकॉर्ड हो गए। फिर हमने एक ही दिन में, हमें वो वीडियो शूट करना था,
घर में ही किया नितिन सर के टेरेस को हमने, फिर सोसाइटी से हमने परमिशन मांगी, पर पता नहीं था कि ऐसा कुछ इतिहास बनेगा। और लोगों को वो गाना इतना पसंद आया, आप यकीन करें, राजेश कुमार जो हमारे मित्र हैं वो गाना देख के अगले दिन की टिकट उन्होंने ली थी, जो उनको शायद 15,000 की मिली थी या 20,000 की मिली थी, लेकिन वो लेके आए क्योंकि वो गाना देखने के बाद वो रोते रह गए। सही बात है, सही बात। ऐसे कितने लोग थे जो अब्रॉड रहते हैं, US, कनाडा, जहाँ जहाँ बिहार के लोग रहते हैं, और बिहार के लोग अमीबा की तरह होते हैं, हर जगह फैले होते हैं, उनसे आप बच नहीं सकते। सही बात है। तो कितने लोगों के मैसेजेस आए, कितने लोगों ने टिकटें कराई अपनी, क्योंकि वो लाइनें ऐसी थी, वो गाने का मर्म ऐसा था कि बहुत लोगों ने, तो इतिहास बना। उसके बाद से फिर हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर साल कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें, और उसके बाद से एक शायद ट्रेंड भी चला, और आजकल तो बहुत सारे गाने बनते हैं, और सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। काम जो भी करें बिहार को लेके आगे जरूर बढ़ें। सही बात है, और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसी अच्छी अच्छी चीजें, वायरल वायरल चीजें, हम सभी की प्यारी प्यारी चीजें लाया करें। और एक बार आपकी जुबान से अगर मेरा नाम ले लिया जाए, कुछ बोल दिया जाए अच्छा, तो बस मजा आ जाए। आरजे बरखा बहुत ही टैलेंटेड है, और जब मैं इनको देखता हूँ ये करते हुए प्रोग्राम, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कहाँ से इतनी क्रिएटिविटी लेके आते हैं। आपको यकीन मानिए, मैं आपके मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो है, जैसे आपने कहा ना कि क्या करना चाहिए, आपका पैशन होगा तभी ये करती होंगे आप, मजा आता होगा तभी करते। मैं भी सोचूंगी यार, मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, वैसा नहीं, हर आदमी का अपना टैलेंट है, तो ये टैलेंट को मैं सलाम करता हूँ। एंड आप सब जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं आरजे बरखा के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो अब 2-3 दिन मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में खुश रहने वाली हूँ। कीप वॉचिंग। आप अगर ये YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, और Instagram पे हो तो जुड़ जाओ भैया। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।